नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा IR सेंसर के बारे में। सेंसर कई प्रकार के होते हैं, तो आज मैं आपको सेंसर के बारे में ही बताऊंगा। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। अब देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक सेंसर है। ये दोस्तों कैसे पढ़ते हैं इसको, ये हमारी तीन लेग है। ये तीन लेग है, आप ये देखिए, यहाँ ये एक गैप है और ये हमारी दो लेग पास पास में है। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसको अपनी तरफ रखते हैं और ऐसे ही हम इसको लगाते हैं। जब हम इसको शोल्डर करेंगे तो हम इसको खड़ा करके ये वाला उभरा हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखते हैं और ऐसे हम इसको चेक करते हैं। ये जो हमारा सेंसर है, ये टीवी में रिसीविंग के लिए लगता है और हम इसको एसी में और बहुत सारे फंक्शन में हम इसको लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि हमें इसको कहाँ लगाना है। IR सेंसर है, हम इसको रिसीविंग सेंसर बोलते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारा चौड़े वाला हिस्सा है, ये किनारे वाला एकदम एंड का आउटपुट होता है। बीच में ये हमारी सप्लाई होती है और ये हमारा ग्राउंड होता है। ये दोबारा से देख लीजिए, मैं हाथ पैर के बता रहा हूं। ये हमारे किनारे वाला ग्राउंड होता है, बीच में सप्लाई होती है और ये हमारी आउटपुट होती है। सेम ऐसा ही एक और IR सेंसर है, इसकी लेग पास पास में होती हैं। ये सेम इसका एकदम उल्टा होता है, जहां ये ग्राउंड है ये हमारी ये वाली आउटपुट होती है और बीच में ये ग्राउंड होती है और ये मेरी सप्लाई होती है। फोटो सेंसर है, लाइट सेंसर है। ये देखिए, इसमें भी प्लस माइनस होता है। जो मेरी ये बड़ी लेग है, ये मेरा प्लस में जाएगा और ये मेरा नेगेटिव में जाएगा। ये ज्यादातर टीवी के रिमोट में लगाए जाते हैं, एसी में लगाए जाते हैं। एसी के रिमोट में तो ज्यादातर ये वाले ही लगाए जाते हैं। इनको हम फोटो लाइट सेंसर बोलते हैं। सेंसर है और ये जो हमारा सेंसर है, डायोड टाइप, ये मेरा ए प्लस का सी माइनस। ये देख लीजिए, ये मेरा बड़े वाली जो लेग है, ये वाली प्लस में जाएगी और ये माइनस में जाएगी। हम इसको फोटो लाइट सेंसर बोलते हैं। अभी ये देख लीजिए, ये जो सेंसर है, अभी सर ये होगा, ये दो लेग मेरी पास पास में है और एक ये लेग मेरी दूर है। तो इसको हम पहले वाले को हम ग्राउंड, इसको ग्राउंड करते हैं और ये मेरी वी सी सी, ये मेरी प्लस सप्लाई है और ये हमारी आउटपुट, ये हमारी आउटपुट पिन है। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये उभरा हुआ हिस्सा है होता है, ये ऊपर की साइड में रखते हैं, तब हम इसको चेक करते हैं। अब ये दूसरे सेंसर की बात करते हैं हम। ये एक हमारा छोटा सेंसर होता है, इस पे जाली सी ऐसी लगी हुई होती है, यहाँ उभरा हुआ सिरा होता है। इसमें हमारी तीन लेग होती हैं, तीनों हमारी बराबर बराबर होती हैं। तो ये वाला एकदम इसका उल्टा होता है। ये देख लीजिए, ये हमारी आउटपुट होती है, बीच में हमारी ग्राउंड होती है और ये हमारी वी सी सी होती है, ये हमारी प्लस वोल्टेज होती है। ये हमारे सेंसर हुए। रिसीवर के बारे में मैंने आपको ये बता दिया है, बाकी और सेंसर होंगे, मैं इनके फोटो डाल दूंगा। इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, कौन सा वायर कहाँ लगते हैं, कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आओ अब मैं आपको और सेंसर के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा IR रिसीवर सेंसर है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। और ये मेरा फोटो लाइट सेंसर है, ये AC के रिमोट और TV के रिमोट में लगाया जाता है। ये मेरा सैनिटाइजर मशीन का सेंसर है, ये डिस्टेंस सेंसर के नाम से जाना जाता है, सैनिटाइजर मशीन में लगाया जाता है। और ये मेरा काउंटिंग वाला सेंसर है, ये किसी जैसे नोट वगैरह काउंट करते हैं इसमें ये लगाया जाता है। ये मेरा वो सेंसर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको पिछली बार बताया था, और सेम दूसरा एकदम इसके ये अपोजिट है। इनके दोनों के कनेक्शन देख लीजिए ध्यान से, कनेक्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन ये रिसीविंग सेंसर हैं दोनों के दोनों ही। और ये मेरा डायोड टाइप एमिटर है और ये रिसीविंग सेंसर है, जैसे एक रिमोट में लगाया जाता है और एक TV के बॉडी में। ये मेरा IR रिसीवर सेंसर है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। जय हिंद।